हमें कोई भी सेपरेट नोटबुक की लॉ में ज़रूरत नहीं है आज कल और परसों में डिस्कशन के साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बेसिक्स ऑफ लॉ की डिस्कशन डिक्टेशन उसके बाद लॉ के लेक्चर में हम एक लाइन भी लिखेंगे नहीं हाँ यू गॉट इट हाँ जो भी मटेरियल चाहिए एग्जांपल्स कंसर्न वो एक तो मैंने नोट्स में दिए और अब कम से कम दस पंद्रह हजार एग्जाम्पल मुझसे सुनने वाले हैं सो so हम कुछ भी लिखेंगे नहीं ये तीन ही लेक्चर का हमें लिखने का दौर है सिलेबस तो लेना ही पड़ेगा हाँ और एक बात बताता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टी अदर ज्वाइन दे विल मिस आउट वॉट एवर आई एम सेंग इवन हाई एवरी वन माई ऑनलाइन फ्रेंड्स लेक्चर शुरू हुआ है यस yes. तो so, थोड़े थोड़े स्टूडेंट बढ़ रहे हैं लेट डेम ज्वाइन आपका ब्रेक कब होता है पौनी चार बजे अभी भी आ थ्री फोर्टी फाइव अभी भी हमारे दोस्त कुछ खा रहे हैं चाय पी रहे हैं तो so, उनके लिए ब्रेक खत्म नहीं हुआ सो दे विल मिस आउट आई विल कम इन टाइम एंड आई विल स्टार्ट दैक्चर एंड डिलीवर द बेस्ट लेक्चर सो बात ऐसी चल रही थी जीबी जोशी सर को मिल रहे हो मैथ्स पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मनीष सर को मिले होंगे अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं विजय सर को मिले हो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और मैं आपको लॉ पढ़ाता हूँ तो ये जो तीन सब्जेक्ट्स है मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको पता नहीं चला ये जो तीन सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स हो इकोनॉमिक्स हो पहले ये दोनों सब्जेक्ट आप अगर कॉमर्स के हो तो आप जानते हो अकाउंट्स क्या है इकोनॉमिक्स क्या है मैथमेटिक्स अगर ऑप्शनल था आपने लिया था महाराष्ट्र बोर्ड में तो मैथमेटिक्स भी आप जानते हो लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है आपको लॉ पढ़ाना कारण लॉ आपने कभी किसी से सिखाई नहीं है हाँ आपके कुछ सीनियर दोस्त होंगे कॉलेज में हॉस्टल में यहाँ वहाँ अब आपको जितना बताएंगे अरे लॉ बहुत टफ है ठीक उनके कहने को मैं रिस्पेक्ट करूँगा लॉ टफ है ठीक टफ है कि नहीं यह मैं आपको तीन हफ्ते बाद पूछूंगा एंड आई विल बी हैप्पी अगर आपने उसका आंसर हर एक स्टूडेंट ने दिया लॉ टफ नहीं है इसका कारण ये नहीं है लॉ इन सभी सब्जेक्ट्स का मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मोस्ट इंटरेस्टिंग एब्सोल्यूटली और लॉ ऐसा सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों एक बार उसका आपको बेसिक का आइडिया आ गया तो आपकी जिंदगी के कई एक्टिविटीज कई एक्टिविटीज ये आपको पता चलेंगे कि अगर सामने वाले ने मेरे साथ ये किया तो मेरे पास अधिकार क्या है एम आई राइट सो बहुत काम का सब्जेक्ट है मैंने तो एक यहाँ के एन के सेमिनार में कहा था एन के बॉस की बेटी मेरे पास थी तो उन्होंने बुलाया था छत्रपति शिवाजी ऑडिटोरियम यहाँ एनडीए चौक में तो मेरे स्पीच में मेरे मुंह से अचानक गया था लॉ इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि लॉ एक साइंस ग्रेजुएट मुझे साइंस में तो एम बी बी एस या इंजीनियरिंग में भी होना चाहिए कॉमर्स में तो सी ए में है अरे कोई कहेगा सर आप आपका भला देख रहे हो एम बी बी एस डॉक्टर बनने वाला भी डॉक्टर मा। लॉ मालूम होना अरे बहुत जरूरी है मेरे लिए प्रूव करने के लिए कितना समय लगेगा तीन मिनट तीन लॉज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तीन मिनट पहले लॉ का नाम है अभी लिखो मत देता हूँ समय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अरे कोई भी हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो मेरा लाडला स्टूडेंट राहुल देश हो नेशनल अवार्ड इस साल उसे मिला और क्या चाहिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑल ओवर इंडिया तो राहुल देशपांडे अभी यूएस जा रहा है पच्चीस कॉन्सर्ट का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो राहुल देश क्लासिकल फील्ड में आज टॉप पे लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है ना ये सॉर नॉट डॉक्टर जब पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट की फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं तो डॉक्टर को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है क्या लगता है इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट करते है कि नहीं ऑफ कोर्स व्हेन इंजीनियर गेट्स अ जॉब इन रिप्यूटेड कंपनी ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेन इज बिंग अपॉइंटेड तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो भैया सबके लिए जरूरी है अभी तीसरा एक्ट है जो हमारे नोट्स में दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी बराबर अभी सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इसकी जानकारी हमें क्यों होने की जरूरत है अरे जब से हमें अकल आती है तब से हमारे मरने तक हम कुछ मार्केट में जाके परचेस करते हैं कि नहीं तो हमारे लिए वो परचेस है जो भी सेलर है उसके लिए सेल है तो ये एक्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इतना जबरदस्त एक बनाया है मैं एग्जैक्टली बीस इक्कीस लेक्चर में खत्म करता हूँ तो ये भी जबरदस्त है अभी तीसरा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पार्टनरशिप है इंडियन डेफिनेटली इसकी भी जानकारी एवरी ग्रेजुएट मस्ट है डॉक्टर तीन चार डॉक्टर पार्टनरशिप में हॉस्पिटल चलाते हैं सो देन मस्ट नो द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप सही कहा गया गलत हाँ इंजीनियर्स पार्टनरशिप करते हैं पार्टनरशिप कौन नहीं करता राहुल ने उसके एक दोस्त के साथ अपने ग्रैंडफादर पे पिक्चर निकाला इन पार्टनरशिप मी वसंत राव उसके लिए तो उसे नेशनल अवार्ड मिला तो राहुल ने भी पार्टनरशिप की ना तो व्हाट आई मीन टू से ये सब्जेक्ट इतना काम का है आपस में रखिए बाहर जाके बोलिए नहीं मैथ्स की तुलना में मैथ्स की तुलना में लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी ये ही दोषी सर मेरे सबसे करीबी दोस्त उनको अच्छा नहीं लगेगा क्या मैं भी मैथ्स सीखा हूँ सी इंटरमीडिएट में लेकिन अभी तक मेरे मन में सवाल आता है मैथ्स का एक्चुअली उपयोग क्या है हाँ हा, मुझे नहीं ये बात अलग है लेकिन मुझे उसका उपयोग ही समझा नहीं तो भैया उपयोग क्या है मेरा क्या संबंध है मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया फर्स्ट अटेम्प में मैं फटाके लगाऊंगा तो कॉमर्स के so, स्टूडेंट की अल्टीमेट एंजॉयमेंट क्या है बैलेंस शीट टैली होना इट प्रूव दैट योर वर्क इज हंड्रेड परसेंट करे बट आई एम लॉजिकली करे इकोनॉमिक्स तो, तो बेहतरीन सब्जेक्ट है जो आपको विजय सर पढ़ाते हैं ये सभी हमारे स्टूडेंट हैं जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं विजय हो लॉ के लिए दर्शन खरे हो वो बाकी के दो लॉ पढ़ाएगा बाकी का पहले वाला पार्ट नाइन्टी परसेंट में पढ़ाऊँगा बाकी दर्शन ये सभी नए खिलाड़ी हैं लेकिन बहुत मेहनती लोग हैं कौन? अभी आप भी इकोनॉमिक्स आप पढ़ाते हो ना इलेवन ट्वेल्थ को थर्टी एट ईयर इकोनॉमिक बहुत काम का सब्जेक्ट है लेकिन फाउंडेशन में इट इज इन द फॉर्म ऑफ़ एमसीक्यू कौन बनेगा करोड़पति एम <laughs> आई राइट तो दूसरी इकोनॉमिक्स की ट्रेजेडी ऐसी है आपस में रखे भार मत बोलिए प्लीज विजय को अच्छा नहीं लगेगा इकोनॉमिक्स सी ए में आगे जाके नहीं है यू गॉट इट और मैथ्स भी सीए में आगे जाके नहीं है दो ही सब्जेक्ट बहुत बढ़िया बोल रहा हूं आपकी शेडो की तरह आपके साथ रहेंगे एक होगा अकाउंट्स वो तो सी ए की जान है और दूसरा मेरा लॉ समझ में आई बात तो स्टडी तो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा करना चाहिए इसमें कोई डाउट ही नहीं लेकिन ये दो सब्जेक्ट आपके साथ रहेंगे परमानेंटली टिल यू गेट द सी ए डिग्री तो अभी मेरा जो प्रॉब्लम है उससे आज मैंने मेरे स्पीच की शुरुआत की क्या प्रॉब्लम है एकदम नया सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट नया है उसकी लैंग्वेज बदलती है उसकी विचारधारा बदलती है मैचिंग एग्जाम्पल बदलते हैं कल मेरा सुबह सात बजे यहां पे साढ़े तीन सौ स्टूडेंट का ट्वेल्थ इको का लेक्चर था तो वहां मेरे एग्जाम्पल अलग थे इकोनॉमिक्स में आपके लॉ के लेक्चर में अलग होंगे आज सुबह में सात बजे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का ट्वेल्थ अकाउंट्स का लेक्चर था साढ़े पांच सौ ऑनलाइन ऑफलाइन पकड़ के स्टूडेंट थे तो वहां के मेरे एग्जाम्पल अलग थे क्या बोलते सब्जेक्ट की विचारधारा अलग है एग्जाम्पल अलग है जब जो, जो सब्जेक्ट आप करते हो उसके अनुसार योर वे ऑफ थिंकिंग शुड बी इकोनॉमिक्स में बातों में कर मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की कमर्शियल बैंकों की बात की लॉ में उसके लिए कोई स्कोप नहीं है तो लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है इन सभी की तुलना में मस्ती नहीं कर रहा हूँ फैक्ट है मेरा काम सीरियस है मानते हो या नहीं का एल भी मालूम नहीं है आपको कभी सुने वर्ड जिंदगी में वॉइड वॉयल कोलेटरल कभी नहीं सुने तो मुझे आपको इन मास्टर में इस इन वर्ड में इन लैंग्वेज में पहले आपको मास्टर करना पड़ेगा तो इनिशियली मैं बहुत स्लो जाऊंगा करण आई एम अ टीचर ऑफ फंडामेंटल्स मैं कभी भी जल्दबाजी में पढ़ाता नहीं लेकिन जब आपका बेस पक्का होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा स्पीड बढ़ेगा ऑटोमेटिकली नहीं तो इनिशियली जो पंद्रह लेक्चर में, में मेरा स्पीड होगा शायद मन ही मन में आप मुझे गाली दोगे और कहोगे ओ एस एम सर हमारा एग्जाम मे ट्वेंटी थ्री में आपका स्टाइल देख के लग रहा है कि मे ट्वेंटी फाइव में, में लॉ का सिलेबस होगा ऐसा हुआ होता आज तक मैं इस प्रोफेशन से बाहर ही जाता और मेरे खिलाफ लाखों स्टूडेंट जिनको मैंने वो मेरे खिलाफ केस करते कि नहीं सही है ना तो किसी ने केस किया मतलब एवरीबडी इज हैपी लॉ डिफिकल्ट नहीं है हाँ जो अलग अलग टीचर से पढ़े उनको समझाने तो गालिया देते हैं लॉ सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एग्जाम्पल एक झलक सुनना है एग्जाम्पल कैसे होते हैं बहुत टेरिफिक इतने सालों से मैंने पढ़ाया लॉ कहता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दो लोग एक दूसरे प्रॉमिस देते हैं तो जो प्रॉमिस देते हो वो पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए इंपॉसिबल प्रोमिस को कोई भी जिंदगी में लॉ में जगह हाँ आम जिंदगी में हम कुछ भी प्रोमिस देते हैं। उसको क्या जाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात आप प्रॉमिस नहीं कर सकते बराबर है तो हमारी आपके बैच का पहला थोड़ा नॉनवेज स्टाइल का एग्जाम्पल लेकिन होशियार हो तो समझेगा नहीं हो तो घर जाके पोगो चैनल देखो लेकिन <laughs> इज बेटर तो। बराबर कॉलेज में एक सीनियर लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है फेकोलॉजी हिंदी पिक्चर में ऐसे ही दिखाते हैं हिंदी पिक्चर में आपकी और मेरी जिंदगी कभी दिखाते नहीं सलमान खान को कभी देखा है मेरे जैसा फिफ्टी नाइन की उम्र में बारह घंटे किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है देखा है मैंने तो नहीं देखा बस एकदम टम टूम बी एम बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं आ, एकदम दो चार हीरोइन ऑलरेडी उसके लिए तैयार होती है, है सो एकदम वेल सेटल गुडी गुडी ऐसे प्रॉब्लम और ये हमारे लड़के लड़कियां पिक्चर देखते हैं उन्हें लगता है अरे यार मेरी जिंदगी में मैं ऐसा ही होगा खाऊ है मेरी जिंदगी में ऐसा होगा अरे कभी खुशी कभी गम पिक्चर में शाहरुख भाई हेलीकॉप्टर से उतरते इंडिया में पॉइंट वन परसेंट भी पॉपुलेशन है पॉइंट वन परसेंट एक सौ चालीस एक सौ बयालीस करो जिनके पास हेलीकॉप्टर है हाँ या ना में बोलो यार क्या मैं अकेले का प्रवचन सुनने के लिए आय बाबा बोल रहे हैं गण बहते ऐसी के नीचे चकाछ ऐसा चा। नहीं थोड़ा डायलॉग होना चाहिए तो पिक्चर तो मैंने मुझे याद नहीं तीन चार सालों में कोई देखा है वैसे भी पैंडेमिक में बंद था अरे देखने लायक होगा तो देखूंगा ना पिक्चर में कुछ विचार होना चाहिए सही है ना विचार ही नहीं रामलीला पिक्चर मैं इंटरवल में निकला <laughs> फैमिली को बताया सिटी परेड को थ्रोड तुम्हें बैठना है तो बैठो फिर तुम क्या करोगे बीबी ने मैंने कहा एकदम कड़क रोड है बड़ा मैं वॉक करता हूँ होने के बाद फोन करना मैं आऊँगा गाड़ी नीचे पार्किंग में हम जाएंगे कहीं डिनर को तो तीनों ने भी कुछ सोचा पांच सात मिनट और उन्होंने कहा चलो हम भी जाते हैं अभी डिनर को जो वेलकम सेम हुआ था धूम टू ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय दो चोरों की कहानी तो मेरे लिए आदर्श है क्या दो चोरों की कहानी मैंने, मैंने कभी चोरी भी नहीं की ना मैंने आज तक किसी को फंसाया माई लाइफ इज वेरी प्लेन आई एम लाइक स्प्राइट सीधी बात नो बकवास इसलिए मैं स्टूडेंट में भी पॉपुलर नहीं हूं मैं बिंदास मुंह पे बताता हूं एक नंबर का दलिंदर है तू और मराठी ज्यादा डोमिनेशन है तो एक नंबर का भिखर सोट है अभी ब्लैक को ब्लैक ही कहना चाहिए व्हाइट को व्हाइट कहना चाहिए बट जो कई महीने मेरे साथ होते उनको पता चलता है मेरे बोलने के पीछे इंटेंशन क्या इंस्टाग्राम पे हो फॉलो करो हफ्ते में दो बार चांस मिले तब मैं रील बनाता हूँ कहीं से आज ड्राइवर और मैं गए थे पोते को उसके ट्रेनिंग स्कूल से लेने के लिए तो ड्राइवर लेने गया तो मैंने गाड़ी में रील बनाया और क्या डायलॉग पे बनाया यू विल बी हैप्पी करियर एंड ड्राइविंग दे आर सेम व्हेन यू आर सक्सेसफुल राइट right टाइम पे राइट right गियर बदलना चाहिए गुड डायलॉग और नॉट जो जो लोग अभी डिसंबर एग्जाम को बैठने वाले हैं दे हैव टू वर्क इन टॉप गियर नाउ हो नहीं? अगर गर्लफ्रेंड है बाय बाय एग्जाम होने के बाद मिलेंगे और व्हाट्सएप पे तुम मुझे एक भी मैसेज करोगे नहीं? और वो भी सीए करे तुम भी करोगे नहीं आज क्या ब्रेकफास्ट का है <laughs> जॉबलेस मेंटली इंसॉल्वेंट समझ में आई तो एक अच्छा डायलॉग सुनना है ऐसे लाखों डायलॉग सुनने वाले फॉर बींग सक्सेसफुल वन मस्ट हैव एन एबिलिटी टू गो अवे फ्रॉम द सोसाइटी चढ़ अटेंड करोगे इसका बर्थडे उसका बर्थडे मुश्किल है इस क्लास का इस स्टैंडर्ड का सीए का सक्सेस मिलना मुश्किल है आपकी औकात ग्रेजुएट बनने की है किसी बैंक में चिपक जाओ बैंक में ही नौकरी करनी है तो सीए का क्लास क्यों लगाए है वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी कारण मनी एक बार लगाया हुआ गया तो यू कैन रिकवर दैट बट यू कॉन्ट रिकवर अ टाइम क्या डायलॉग है यार इस डायलॉग पर मैंने आज रील बना ड्राइविंग एंड करियर सक्सेसफुल बनाना ही टू चेंज द गेयर एब्सोल्यूटली देर इज नो डाउट अबाउट इट समय के अनुसार आपको प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी तो अगर सी ए शुरू किया हमारे साथ जर्नी तो आज ही डिसाइड करो कि मैं जब से बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं चलेगा ऐसे एम सर जब बेसिक्स कंप्लीट करेंगे मैं हर एक घंटा लॉ मेरे लिए नया है ना हाफ एन आवर से मेहनत शुरू करूंगा लॉ के लिए मेहरूम नाम की लड़की को लास्ट रिजल्ट में 92 मार्क्स लॉ में मिले आउट ऑफ हंड्रेड तो कौन कहता है डल सब्जेक्ट है स्कोरिंग नहीं है बोरिंग है डिफिकल्ट है तो लड़के ने लड़की को प्रपोज किया एग्जाम्पल बता तो, तो मजा समझेगा इफ यू मैरी मी आई विल टेक यू ऑन मून फॉर अनिमून फलतूगी रे पॉसिबल है क्या आर यू जे बेसुस जो चंद चैन पे नहीं लेकिन मार्स पे तो जाके आए मंगल पे फलतूगिरी है लेकिन वो लड़की भी मैच्योर्ड है उसे लगा कि वो सेंटिमेंटल जबरदस्त सवाल पूछा वाई आर चीटिंग में हाउ यू कैन एंजॉय हनी मून ऑन मून देर इज अ ग्रेविटी प्रॉब्लम नहीं तो पुको चैनल I mean, हो ना अभी आपको समय थोड़ा लेट करंट चलेगा लेकिन चला रिएक्शन तो दो वी आर नॉट रोबो वी आर नॉट मशीन ऐसे हजारों सुनने वाले कॉन्सेप्ट से मैच होने वाले तो लॉ इज हंसाने के लिए नहीं ये परफेक्ट एग्जाम्पल इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑन द कॉन्सेप्ट आपको आधा घंटा शुरुआत से लॉ के लिए देना चाहिए और मैं आपको दोस्ती में एक बुक का नाम और फोटोग्राफ दिखाऊंगा कल वो बुक मार्केट में जाके लेके आइए क्योंकि आपको जो भी पढ़ा के हुआ है उसके क्वेश्चन और आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है करंट लॉ ये एम क्यों नहीं है अकाउंट्स एम क्यों नहीं है मैथ्स भी एम है आप है आपको ये क्या गड़बड़ है अरे ये सिंपल विषय रह सी इंस्टीट्यूट का अकाउंट्स और लॉ आगे हैं तो आगे, आगे आपको लिंदी पेपर लिखने हैं तो आज एमसीक्यू रख के स्टूडेंट का आगे क्या फायदा होगा उन्हें गलत आदत लगेगी तो जो एमसीक्यू के लिए है दो सब्जेक्ट वो आगे है ही नहीं यू गॉट इट तो राइटिंग प्रैक्टिस तो होनी चाहिए होनी चाहिए नहीं। कोर्स होनी चाहिए और कंसिस्टेंट बेसिस पे होनी चाहिए एक्सरसाइज करो कंसिस्टेंसी इज द ब्यूटी आज कल और परसों मुझे सात बजे लेक्चर होता है तो मैं साढ़े चार बजे उठने लगा चाय वाय पी के मैं ही चाय बना तो पहला मैं भागने के लिए जाने लगा बेबी ने मुझे गाली दी अच्छा कर रहे हो एक्जरसाइज लेकिन ये क्या समय तुम्हारी नींद कम्प्लीट नहीं होती इसका लॉन्ग रन परिणाम होगा तो मैंने कहा यू आर माई वेल विशर ठीक है मैं मंडे च्यूजडे वे नहीं जाता हूँ चलने के लिए एक्सरसा रनिंग के लिए तो आज मुझे आज से आज से ब्रेक आ गया एट टू तो नाइन फिफ्टीन जब मुझे लेक्चर होते नहीं तो कोई और होता तो क्या करता केबिन में बैठता टाइम पास करने के लिए कितने साधन है और ये करने के लिए आईपैड है ही मोबाइल तो क्या आठ बजे निकला डायरेक्ट डिक्कन का ब्रिज क्रॉस करके फास्ट चलते हुए 40 मिनट में वापस आया आई यूटिलाइज माई टाइम फॉर बेटरमेंट ऑन नॉन तो वाई टू वेस्ट टाइम भाई ठीक है दिन में दस पंद्रह मिनट रील देखे एंटरटेनिंग वगैरह वगैरह वो ठीक है मैंने क्रिकेट देखना पांच साल हो गए बंद हो गए बंद कल का मैच मैंने नहीं देखा है खाना खा रहा था तब एक पंद्रह मिनट देखा दोपहर में कारण मैं टेनिस को गया प्रॉब्लम ये है क्रिकेट का कि देखना है देखना है देखना है तो कितना देखना है भाई साहब कोई अगर आपको पूछेगा इतना क्रिकेट देखो कि क्या रे इस दुनिया में क्यों तो क्यों आया क्रिकेट आगे जाके सारस बाग का मंदिर है वहां बाहर बैठूंगा मैं अरे लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है ना हाँ जोड़ी से बैठेंगे <laughs> कोई प्रॉब्लम नहीं जितना में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिकेट देखना ही मैंने बंद किया एक दिन ठीक है यार वर्ल्ड कप हो गया उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस बांग्लादेश और कई उद्योग करोड़ों को मारे साले हारा में आईपीएल होता फोकड़ में बैठे सर मैं हर एक मैच देखता हूं स्टैंप पेपर लेके आ मैं लिख के देता हूँ यूर बी अनएम्प्लॉयड इन फ्यूचर आईपीएल इज़ वंडरफुल क्रिकेट इज वंडरफुल फॉर ओनली टू पीपल वन इज रिटायर्ड कैटेगरी एंड अनदर इज़ स्कूल गोइंग किड्स जिनको स्कूल को छुट्टी है दिवाली की छुट्टी क्रिसमस की छुट्टी हमारे यहाँ छुट्टिया ही है हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी नहीं कहता कि तुम पढ़ो हाँ दिवाली कब गई कॉलेज शुरू होने वाले सोलह तारीख अरे भाई इतने दिन छुट्टी क्यों हा? नहीं आई एम प्राउड टू टेल यू डोंट कॉल मी एरोगेंट आई वर्क सेवन डेज अ वीक कल सुबह में तीन घंटे मेरे लेक्चर थे फिर शाम को आ गया पांच बजे और ट्वेल्थ अकाउंट्स की बैच को सभी बैच को इकट्ठा ज्वाइंट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन लेक्चर लिया इश्यू ऑफ शेयर्स तो काम करना ही मेरा धर्म है लोग कहते मैं हिंदू मैं हूं मैं मुसलमान हूं अपना धर्म में विश्वास ही नहीं है अपना धर्म काम करना है इज दैट राइट काम करूंगा तो ही मेरे जैसे ऑर्डिनरी घर का आदमी कोई बनेगा नहीं तो क्या रहूंगा जो पहले था वही रहूंगाइट तो थोड़ा जो बोलना बाकी था मैंने बोल दिया लॉ शुरुआत में थोड़ा स्लो होगा हाँ, बाद में वो स्पीडअप करेगा जैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ लास्ट एग्जांपल और सिलेबस दे हूँ यहां से गाड़ी निकालूंगा सिमागढ़ रोड पर रहता हूं रोहन कृतिका में गाड़ी निकालूंगा स्कोड़ा है मेरी अब पहले यूनिवर्सिटी आने तक तो गाड़ी स्लो ही चलानी पड़ेगी फर्स्ट सेकेंड गेयर मुझे कहा बदलने ऑटोमेटिक फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड यूनिवर्सिटी क्रॉस की सेकेंड थर्ड सेकेंड थर्ड तो हम पहले पंद्रह लेक्चर यूनिवर्सिटी तक ड्राइव करने वाले इसलिए गाड़ी स्लो चलेगी फिर थोड़ा आगे जाऊंगा बालेवाड़ी तक थोड़ा रोड फ्री होता सेकेंड थर्ड सेकेंड थर्ड बालीवाड़ी में राइट टर्न लिया है हाईवे शुरू हो गया एक्सप्रेस हाईवे नहीं हाईवे वो हिंजेवाड़ी की बहुत भीड़ होती है तो फिर गियर बदलेगा ऑटोमेटिकली थर्ड फोर थर्ड फोर जैसे हमारा बैच आगे जाएगा और एक गोल्डन दिन आएगा डेढ़ महीने बाद एक महीने बाद जब मैं आगे जाके लेफ्ट टर्न लूँगा और एक्सप्रेस हाईवे शुरू होगा जब आपके सभी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो क्या करूंगा एक गाड़ी चलेगी एक सौ दस सौ से तो चलने के लिए पहले बेस्ट तो पक्का चाहिए ना राइट right? तो पहले स्लो एंड स्टडी विज द रेस ओके ओपन अप योर नोटबुक ओ एनी नोटबुक अकाउंट्स मैच वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी नोटबुक फॉर लॉ एंड बेटर वे आई विल एडवाइज यू अगर ई बुक तुम अकाउंट्स के लिए यूज करने वाली हो तो बैकसाइड पे लॉ के दो पेजेस लिखो दैट विल बी बेटर ना मैंने लिखा है सिलेबस सब्जेक्ट का नाम बिजनेस लॉस या मर्केंटाइल लॉस नंबर वन नंबर वन पहले लॉ का नाम लिख रहे हो एक एडवाइस दे रहा हूं प्यार से हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए इंडियन आई कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट सी कैपिटल ए सी टी कोमा एटीन सेवेंटी टू एटीन सेवेंटी टू नंबर टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कोमा 1932, 1932, टू नाइनटीन थर्टी टू एंड नंबर थ्री सेल ऑफ मैंने एंड में ऐसा साइन किया है ये तीनों लॉज आपको मैं पढ़ाऊंगा एस एम जोशी और ब्रैकेट में लिखा है इट इज 85 टू 90 परसेंट ऑफ योर लॉस इलेवेंस जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर फोर कंपनीज एक्ट कॉमा 2013 कंपनीज एक्ट Act, 2013 एक्चुअली कंपनीज एक्ट ये इंटरमीडिएट में खाली यहां पे उसके फाउंडेशन में बेसिक्स है और ये आपको मेरा यंग कलीग पढ़ाएगा सीए ए दर्शन करें। एंड नंबर फाइव लास्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कॉमा 2008 सबसे लास्ट पास किया हुआ एकदम रिसेंट कंपैरेटिवली। दर्शन सर पढ़ाएंगे आपको और एक पेपर का मैंने इस्टीमेटेड एस्टीमेटेड आपके लिए पैटर्न दिया है वो ब्रैकेट में लिख दो सिक्सटी मार्क्स टोटल पेपर सिक्सटी मार्क्स लेकिन उसका डिवीजन दे रहा हूँ और इसके लिए मेरा एक्सपीरियंस कारण है नाइनटीन नाइन्टी नाइन्टी वन से पहले दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ तो ज़रा कैलकुलेशन करो आज 2022 खत्म होने को आया मतलब मैंने आज तक फाउंडेशन के कितने पेपर देखे हैं वो 11 साल और ये 22 33 थ्री ईयर्स में फाउंडेशन के एग्ज़ाम दो बार होती है सो so? 66 पेपर्स मैंने दिए यू अंडरस्टैंड तो ऑब्जर्वेशन होता है एनालिसिस होता है तो नॉर्मली मैंने देखा है 30 मार्क्स के लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर जाते हैं और 28 मार्क के केस स्टडी जाते हैं थोड़ा समय दोगे तो केस स्टडी का भी मतलब आपको समझने लगेगा केस स्टडी क्या होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये 32 लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर

मेरा पोता इंग्लिश मीडियम में ही उसे एडमिशन लिया तो दो तीन साल में वो भी आपकी बाजू में बैठेगा तो वो भी इंग्लिश में लिखेगा लेकिन उसको आप जैसा समझेगा नहीं हमारा काम क्या है अंडरस्टैंडिंग क्या काम है अंडरस्टैंडिंग uh, अगर हमें होता है देन आई एम अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट बराबर है जिंदगी में अगर क्वालिटी पढ़ना है तो जिंदगी में कभी भी मगप करना नहीं है अंडरस्टैंडिंग होने के बाद बेसिक पॉइंट मगप करोगे तो मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है डायरेक्ट मगप करोगे तो ये एजुकेशन नहीं है यू मस्ट हैव द आंसर आपके पास आंसर होना चाहिए ऐसा ऐसा है और दूसरा ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है ये जिसे समझाना भैया उसे कंप्लीट नॉलेज मिल रहा है अदरवाइज मैंने बहुत लोगों से आज तक पंगा लिया है आई मीन बोर्न लाइक दैट ओनली दैट मे बी कॉल्ड एज माई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट शादी हुई चौदह दिसंबर एटी सिक्स को अभी आपको कैसे क्या शादी की बातें सुनो तो तो सुबह आठ बजे का मुहूर्त था बहुत सीनियर गुरुजी थे वो तो संस्कृत में कुछ मंत्र बोल रहे थे अभी मेरी होने वाली बीवी मतलब मेरी गर्लफ्रेंड वो बाजू में बैठी थी तो मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी एक मिनट आपने अभी क्या बताया कि हाथ को हाथ लगाओ और अपने आगे एक बहुत बड़ा श्लोक कहा उसका मीनिंग क्या है उस दिन की पहली वाली गर्लफ्रेंड ने अपना बाद में भी, भी उसने ये पिंच <coughs> पिंच दिया क्या चल रहे थोड़े वॉट यू आर डूइंग मैंने कहा <laughs> मैं ऐसा ही हूं और गुरुजी ने उसे ही डांटा ये सही है ही वॉन्ट्स टू नो द मीनिंग ही शादी में सभी गुरुजी होते हैं <coughs> इतने फास्ट मंत्र बोलते हैं इट इज अ टाइम पास कुछ समझता नहीं हाँ बाहर जाके लोग नाचते हैं शादी हो गई यार जो चल रहा था अंदर क्या चल रहा था आई डोंट नो हमारी ऐसी सिस्टम है जिस सिस्टम के शिकार हो फर्स्ट स्टैंडर्ड से टेंथ तक इस सिस्टम ने सॉरी टू टेल यू माफी चाहूंगा आपको सोचने के लिए कभी भी मजबूर किया सोचने के लिए हा सिस्टम ने आपके रिलेटेड टीचर ने इंक्लूडिंग क्लास वालों ने आपको बताया अरे भाई ऐसा ऐसा है ओके अरे सर ऐसा क्यों है इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा नहीं नहीं ये पूछना नहीं चलो घर जाके प्रिपेयर करो अरे ऐसे कैसे चलिए अकल आने लगी स्कूल शुरू हो गया फिफ्थ फोर्थ स्टैंडर्ड में था आज भी याद है मेरे सबसे फेवरेट पर्सनालिटी मेरी माँ थी रही नहीं तो माँ ने मुझे बताया संजय कल बाहर जाके कुछ भी खाना नहीं है मैंने कहा क्यों नहीं कल एकादशी है तो हमारा उपवास है माँ मैं उपवास वगैरह मानता नहीं हाँ सन पहला प्रसाद यहाँ पे मिला मैंने कहा बता ना तू तो उपवास क्यों करते लॉजिक होना चाहिए ना हा? तू क्यों करती है उपवास इंडियन कारण सुनो मेरी माँ से अरे बेटा क्यों एरगुमेंट करते हो मैं क्यों करती हूँ मेरी माँ करती थी ओ ओ हो तो मेरी माँ क्यों करती थी मैं ऐसा ही हूं आई एम लाइक दिस ओनली अरे बेटा सिंपल मेरी माँ उसकी मां करती थी अच्छा मतलब दोनों को कोई अकल नहीं थी <laughs> दूसरा प्रश्न मैंने मार खाया लेकिन मैंने उसकी बातें सुनी नहीं हा मैंने कभी भी उपवास नहीं किया मैं नॉनवेज खाता नहीं लेकिन बड़ी एकादशी होती है तो मैं ट्राई करता हूं पोते को चिकन टिक्का खिलाऊं और मैं भी एक पीस खा लो ए ट्रेडिशन मूर्ख पाना है।, है पूछो नहीं क्यों करते भाई साहब तिरुपति जाते हैं बाल काट के आते हैं वेंकट गोविंदा गोविंदा क्या होता है नहीं वो सालों से बाल काटते हैं तू भी पागल गया और बा क्यों जरूरत है मेरे पिताजी गए लोग बाल काटते हैं मेरी माँ गई मैंने कब बाल कट का पागल पड़े गए कश्य करता फॉर वॉट मैं यही आपको एजुकेशन में बता रहा हूं द डे यू विल अंडरस्टैंड वाई इट इज लाइक दिस द डे यू विल स्टार्ट दैट डे यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द सब्जेक्ट तो मार खाना पड़े लोगों ने गालियां दी तो भी चलेगा लेकिन वाई का जवाब ढूंढोगे तो मजा आएगा एजुकेशन में रिसेंटली 18 अगस्त को अचानक मुझे डायबिटीज डिस्कवर हो गया मैं नंबर बताऊंगा तो आप कहोगे इंपॉसिबल है लोग मर जाते हैं हाँ जाओ कोई मेरी बहू बैठी है शुगर सिक्स हंड्रेड प्लस नॉर्मल इट इज हंड्रेड हंड्रेड एंड फोर सिक्स हंड्रेड तो यहां से निकला ड्राइवर को काम के लिए भेजा था जाने लगा कॉर्नर में बहुली कर डॉक्टर तो मेरे पीछे मैंने देखा किसका आवाज आ रहा है तो मैंने देखा तो बहु आ रही थी तो मैंने कहा श्रुति तू क्यों आ रही है नहीं आपको मालूम नहीं क्या मालूम नहीं बता मुझे अरे बाबा साढ़े तीन सौ से आगे शुगर होता है पैरालिसिस हार्ट अटैक नहीं तो ब्रेन हेमरेज और तुम टकटक चल रहे हो बापरे आगे जाके मैंने बहु दीकर को क्या पूछा यह आज की बात है मैंने बहुलीकर साहब को पूछा मुझे डायबिटीज क्यों हुआ पंद्रह हजार किलोमीटर भागा हूं चला हू आज टेनिस खेल रहा हूं बाईस साल बैडमिंटन खेला हूं कल ढाई घंटे टेनिस खेला मुझे क्यों हो गया जब आप क्या मिला आपको डायबिटीज़ होना था इसलिए हुआ अरे वेरी फनी आंसर कोई लॉजिक नहीं पता है बाद में उन्होंने बताया सुनने की इच्छा है तो बता दो हाँ बाकी आपके लिए कोई कारण नहीं ना मैं स्वीट खाता हूं कारण एक ही है आप आपकी उम्र से ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है और इसका परिणाम डायबिटीज तो मुझे कारण पता चल देन आई सेड थैंक यू वेरी मच आई शुड नो अंडरस्टैंड सिंपल Why? का जब आप ढूंढोगे तो पढ़ने में मजा आएगा अदरवाइज यू विल बिकम और रोबो समझ बात और एक लास्ट डायलॉग बोलने की इच्छा हो रही है जो हमें समझता है विषय के मैचिंग में उसमें ही हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है स्पोर्ट्स चैनल आपके घर पर टाटा स्काय होगा कोई भी डिश टीवी होगा तो हमें क्रिकेट समझता है प्यारा स्पोर्ट है इंडियन का बराबर तुम चैनल अभी मेरे घर पे टाटा स्का फोर फाइव फोर रुपए स्पोर्ट चैनल है जिसपे वर्ल्ड कप दिखाया जा रहा है तो फोर फाइव फोर अगर मैच में एड आ गया बराबर तो मैं बदलता हूं आगे क्या चल रहा है देखो बराबर तो आगे अमेरिकन स्पोर्ट है गोल्फ वो लंबी स्टिक लेते हैं व्हाइट बॉल होता है मैं इमीजिएटली चैनल बदलूंगा सब गोल्स नहीं देखते अरे उसका रूल मालूम नहीं है कैसे गेम खेलते हैं तो जो मुझे मालूम नहीं है वो जो समझेगा नहीं वो देखूंगा नहीं मैं आगे जाके टेनिस का मैच चल रहा है क्या बात है वो तो मैं खुद खेलता हूं तो क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप सेमीफाइनल नो एंड अनदर आई विल सी टेनिस दोनों मैंने वही स्पोर्ट सिलेक्ट किए जो मुझे समझते हैं होगा नहीं गोल्प देख के क्या करो? तो सिंपल विचार आज के लिए ये है जो समझता है उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है कहते क्या हाँ अगर कोई आप में से अभी तो नई नई दोस्ती है गप्पे मारेंगे उसमें क्या है कुछ ही दिनों का सवाल है आपके लिए मैं नया हूं मेरे लिए आप नए हो। तो आप में से कोई कहता है पर एक रिक्वेस्ट थी क्या मैं आपको दो लाख रुपये दूंगा आ हो क्या करना है सर मेरे साथ तीन घंटे बिताने है तो क्या करना है तो बोल ना सर हम दोनों सिनेमा को जाएंगे सिनेमा देखने के दो लाख यस सर कौन सा पिक्चर है सर वो कन्नड़ पिक्चर लगा है मैं कहूँगा पागल आदमी है क्या कन्नड़ लैंग्वेज मुझे आती नहीं तो जो मुझे पिक्चर समझी क्या नहीं मेरे मुझे तुम्हारे दो लाख चाहिए नहीं सही है क्या जाके देखो थिएटर में कुछ अंडो गंडो बोल रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है हा? क्या देखो क्या तो जो लैंग्वेज मुझे समझती है वही मैं एंजॉय करता हूं अभी तो लाइन पे आया कि नहीं मैं ये बात आप इस उम्र में पता चलनी चाहिए और कोई तो टीचर आपको जिंदगी में मिले जो आपको सोचने के लिए मजबूर करता है सोचोगे नहीं तो क्या रट्टा मार के चांस नहीं सीए बनना मगप करके तो चांस नहीं है कारण जैसे फोन की मेमोरी की कैपेसिटी होती है वैसे इंसान की भी मेमोरी की कैपेसिटी है कितना मगब करके अंदर स्टोर करोगे कैपेसिटी भरने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन जाएगी और पहले वाली पानी लीक होता है ना टैंक से वैसे पहले वाली इंफॉर्मेशन लीक होगी सही कहा ना मैं वही कह रहा हूँ यार प्लीज प्लीज ज्यादा समय मैं आपके साथ नहीं हूँ एक एस्टिमेटेड बात बता रहा हूँ 20, बाईस पच्चीस मार्च के आसपास मैं मेरा पार्ट लॉक खत्म करूंगा जो 90% परसेंट ऑफ योर सिलेबस बराबर तो उतने दिन ही हो, हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन फ्रेंडशिप है लेकिन कुछ विचार तो ले लो मैं जो आज आपके सामने बैठा हूँ ये मेरी थिंकिंग और इमेजिनेशन की क्वालिटी से है समझ भाई भा? दिया है ना दिमाग सोचो हाँ अभी एक मिनट अच्छा एक एग्जांपल देता हूं टाइम no, पास बहुत जरूरी बातें है सोचना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है हाईवे पे जब गोवा जाता हूं खुद ड्राइव करते हुए तो कम से कम पणजी माने तक सात आठ कुत्ते रास्ते पे मरे हुए देखता हूं क्यों मरते हैं लोग इतनी गलत गाड़ियां चलाते हैं नहीं ये कुत्तों की गलती है इस खेत से बाहर आते उनको उस साइड में जाना है लोग कहते हैं कुत्ता इंटेलिजेंट होता है मुझे तो अनुभव अलग है याद आता है डायरेक्ट क्रॉस करता है अभी देखो कुत्ते में नहीं इंसान में फर्क सोचना बराबर कितना जरूरी है ट्रक आता है अचानक कुत्ता आने के बाद ट्रक वाला के ब्रेक मारेगा मर जाएंगे ना सभी तो ट्रक वाला डायरेक्टली जाता है जाते जाते, जाते ट्रक और कुत्ते का क्या साइज में फर्क है कुत्ता अंदर स्पॉट मर जाता है अभी अगर आप या मैं क्रॉस कर रहे हैं तो क्या होगा हाईवे यहां बीच में रोड डिवाइडर है मुंबई पुणे का एक्सप्रेस हाईवे एक्सप्रेस हाईवे पे क्रॉस करने का चांस ही नहीं है कैन वॉकिंग नॉट अलाउड कोल्हापुर का है भाई यहां पे लोग क्रॉस कर रहे तो आप हो मैं हूं हम इंसान है सोचते हैं हम क्या करेंगे मरना नहीं है ना बाबा हाँ, लगा यह देखेंगे कोई गाड़ी नहीं ना आ रही है नाउ सेफ फॉर में कुत्ता ये नहीं करता ना रोड डिवाइडर पे हो गया पहले यहां देखा था फिर यहां देखूंगा नौ दस हेवी स्पीड में गाड़ी आई उनको जाने दूंगा ओ oh, सही ah. यही फर्क है ना दैट्स अ थिंग एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोग दोनों भी शराब पीते हैं एजुकेटेड लोग कभी फुटपाथ पे गिरते नहीं उनको मालूम होता है कि मुझे कहां रुकना है और अभी घर जाने का समय आ गया है सही है अनएजुकेटेड लोग अभी उनकी बात डिटेल में क्यों करूं मैं तो एजुकेशन की पहली अचीवमेंट होती है एजुकेशन इट एजुकेट्स योर थॉट्स क्या मतलब? हमारे विचारों को एजुकेट कौन करता है अरे बोला हा एजुकेशन का कुछ उपयोग ना होता भाई साहब तो अब्दुल कलाम हा, ये साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों होते सबसे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट हीड थर्टी सिक्स डिग्रीज वो जब गए तो उनकी प्रॉपर्टी का काउंटिंग किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट का घर पांच ब्लेजर तीन ट्राउजर थर्टी सिक्स डिग्रीज फ्रेम करके लगाई थी और पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण ये उनके अचीवमेंट थे। तो एजुकेशन ना होता तो क्या होता साहब आई एम सॉरी मेरा फेवरेट डायलॉग है नई नई मुलाकात मुझे रहा नहीं जाता अगर सरस्वती की पूजा करते हो चुपचाप लक्ष्मी आएगी मुझे देखो किसकी पूजा की तू तो? हाँ सरस्वती मीन एजुकेशन राइट सरस्वती की पूजा करो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगी स्टैंडर्ड तक जोशी फैमिली हम चार लोग माँ बाप मेरा छोटा भाई और मैं दो ही बच्चे हम शुक्रवार पेट में एक चालीस फैमिली के वाडे में साठे फैमिली में एक रूम में, में मेरा घर था एक रूम गोल्डन डेज चालीस फैमिली सोने के लिए बेड भी नहीं था हम नीचे सोते थे यहां वहां से रैड बड़े चूहे उनके पीछे बिल्लियां भक्ति थी आज मेहनत करके और ये कभी मत कहिए एस एम सर खाली इंप्रेशन मारते हैं मुझे ना आपको प्रपोज करना है ना आपके साथ शादी करनी है मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ एक रूम में जिसकी जिंदगी गई उसकी आज की जिंदगी देखो गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए मेरे पास मेरी टू व्हीलर भी नहीं थी जिसकी नालायक की टू व्हीलर लेके जाता था उसके साथ कल व्हाट्सएप पे यूएसए से वो था उसकी बेटी की शादी है उसने इनवाइट किया संजय तो आ रहा है ना मैंने कहा टिकट भेज हा? मैं अंबानी नहीं हूं मेरा आज का घर खाली आपको दिखाता हूं चलेगा दो मिनट वेस्ट किए तो चलेगा ना गालियां नहीं दोगे ना देनी है तो भी अंदर दे दो तो, मन ही मन में कदी व्हेनेवर आई वॉन्ट दोज फोटोज एट चाले कहा जाते हैं हो हो हु, हो हु, हो गए तो आप मुझे बताइए सॉरी <tip> हाँ दिस इज माई टेरिस नाउ आई एम स्टेइंग लिविंग इन अ फ्लैट कॉस्टिंग फोर करोड़ थी तो मेरा और एसपी कॉलेज के बैक साइड पर मेरा और एक फ्लैट ओरिजिनल दो हजार में लिया था वो आज बेटे और बहू को दिया और वो रह, वहां रहते फॉर्मेलिटी, आधा हफ्ता वो रोहन कृतिका में ही मेरे घर पे होते से कहाँ जिंदगी आ गई एक टेरेस होगा गार्डन होगा एक बढ़िया बार होगा ये अपने सपने थे काम कर रहा ये मेरा शेयर है पांच बजे पहला चाय मैं यहां पीता हूं जितना ब्यूटीफाई कर सका जितना अच्छा घर बना सका उतना किया ये टेरिस से हॉल अंदर का पिक्चर है तो हो गया ना जिंदगी में मैजिक या नहीं हुआ कैसे हुआ गोवा में कसीनो मटका या केबीसी का विनर हार्ड वर्क एंड ओनली वर्क इफ यू आर नॉट अंबानी अदानी टाटा बिरला तो चुपचाप सुबह उठो जल्दी और काम करना शुरू करो हमारे लिए दूसरा कोई भी चारा नहीं है यू गॉट इट तो थोड़ा लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूँ बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं ये मेरी चीजें दिखा कि क्या होगा मेरी उम्र अगर कम होती तो कोई कहते हैं यार ये लड़कियों पे इंप्रेशन मार अभी मेरी बेटी इन लड़कियों की दस साल बड़ी है ऐश्वर्य इट तो क्या वो दिन मेरे जिंदगी के चले गए अभी अपना और एक ही एक ही बंदे का हमारा अफेयर है और वो है हमारा लाडला जोशी फैमिली की जान और वो मेरा पोता नील ये हमारी जान है लास्ट सपना है इसे कुछ अच्छा बनाओ मरने से पहले और मर जाओ देट इज़ अ लास्ट लड़का बड़ा हो गया फैंटेस्टिक करियर है बेटी तो क्या चार चांद लगा दिए जोमेटो की तीन राज्यों की हेड है महाराष्ट्र गुजरात गोवा और क्या चाहिए अभी इसके ऊपर ध्यान है ये जब छोटा था तब ये फोटोग्राफ था तो लेकिन अभी ये बड़ा हो गया आता है यहाँ पे अभी स्कूल को छुट्टी है तो डेढ़ दो घंटा साथ में बिताते दोपहर में मेरे घर पे ही होता है फिर साढ़े पाँच बजे मेरा ड्राइवर उसे ग्राउंड पे छोड़ता है तो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए दिखाता हूँ तो ऐसे नहीं है अभी हमारे आज समय ये मेरी बेटी है ऐश्वर्या राहुल जो मेरा स्टूडेंट है सिंह अगर थोड़ा जानते हो तो लेफ्ट में महेश का आए है जो राहुल की वजह से मेरा भी दोस्त बन गया एक फंक्शन में सचिन और मैं दोनों भी चीफ गेस्ट थे अच्छे काम का नतीजा अच्छा नतीजा होता है महाराष्ट्र का पुलिस का आज का अच्छा बॉस विवेक फंडसरकर मेरा क्लासमेट है फोटो देखा तो कभी पुलिस ने ज्यादा रुकवाया मस्ती की तुमको उनको कहता हूँ यू आर डूइंग बैड नो नो हमें नहीं सिखाना ओके okay. फोटो दिखा दो जाइए बाप है महाराष्ट्र का का तो इतने अच्छे लोगों में रहता हूं बराबर सबसे करीबी दोस्त क्रिकेट एक्सपर्ट एंड एन एनालाइजर सुनंदन ले, ले ये मेरा सेकंड स्टैंडर्ड से दोस्त है जो आज इंस्टाग्राम ए बी पी माजाप है वर्ल्ड कप पे बोल रहा है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ये हमारा सुनंदन है बराबर सो ब्यूटीफुल लाइफ अच्छे लोगों में रहो अच्छा बनो कि लेटेस्ट विराट कोहली का 34 बर्थडे था ऑस्ट्रेलिया में एक राजस्थानी पेंटिंग विराट को प्रेजेंट दिया और ये हमारा दोस्त है सुनंदन घर तीन बार धोनी आके गया है पूना में नीचे बैठा है आमटीपोई खाउन गेला मराठी खाना सचिन दसबारा है सौरभ गांगुली सब एकदम अच्छा प्यार हो तो मैं क्या दिखा रहा हूँ सुनंदन मेरा दोस्त है इम्पोर्टेंट नहीं है इफ यू आर इन गुड कंपनी कंपनी इट डिसाइड इज द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स एंड जितनी अच्छी क्वालिटी थॉट्स की उतना ही अच्छा करियर होता है सही कहा बात की है प्यार से आज खाली सिलेबस दिया मुझे लगा मैं पढ़ाना शुरू करूंगा लेकिन थोड़ा पागल कैटेगरी का आदमी हूँ तो जो बोलने की इच्छा है वो बोल देता हूं बराबर धन्यवाद थैंक यू वेरी मच कल मिलेंगे कल प्रॉमिस देता हूँ नहीं तो मैं चाय पी लूंगा कल सिलेबस शुरू करूँगा हंड्रेड परसेंट